स्वागत है आपका मेरे चैनल तरन किचन पे। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ मटर पनीर मसाला। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और आप भी बनाना और खा के बताना कि कैसा लगा आपको। मटर है जो उसको थोड़ा सा हम बॉईल कर लेंगे। इसमें थोड़ी चीनी डालेंगे ताकि इसका कलर फीका ना पड़े मटर का। जब तक हमारे मटर थोड़े से बॉईल होते हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। पैन में थोड़ा ऑयल लेके सबसे पहले सूखे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो से तीन लौंग, रेड चिल्ली और तेज पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक, प्याज, जिंजर, ये सब मैंने रफली कट रख के रखे हुए थे, और ग्रीन चिल्ली। हमारा प्याज, जिंजर और गार्लिक भून गया है, तो इसको इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसमें डालेंगे टमाटर रफली कट किए हुए। टमाटर के साथ ही हम ये सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए। चेक कर लेते हैं कि टमाटर गल गए कि नहीं। ये देखिए हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया, अब इसको जार में डाल के पीस लेंगे। पतीला, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, चॉप प्याज, प्याज हमारा भुन गया, इसमें डालेंगे एक चम्मच बेसन और एक चम्मच देगी मिर्च। इसको अच्छे से पका देंगे आप। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा किचन किंग मसाला और हल्दी पाउडर। गरम मसाला हमने पहले ही इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं उसमें ग्रेवी में, तो वो नहीं डालेंगे अब। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी। ग्रेवी मैंने बना रख, अब इसमें ये जो ग्रेवी मैंने बनाई है वो डाल देंगे। ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक ढक के पका लेंगे। देखते हैं कि हमारा मसाला हो गया है रेडी कि नहीं। ये देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, जो कि मैंने थोड़े से बॉईल करके रखे हैं। फ्रेश मटर लिए हैं मैंने और उनको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं मटर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये जो मैंने पनीर क्यूब कट करके रखे हुए हैं वो डाल देंगे इसमें। अब हम
अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी जो कि मैं हाथ से मसल के इसमें डाल रही हूँ। इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे 5-7 मिनट के लिए। ना मटर मसाला पनीर बनके तैयार हुआ है क्यों, ये देखिए हमारा मटर पनीर मसाला बनके तैयार है। चलिए अब हम इसको बॉल में डाल के इसकी गार्निश करते हैं। ये देखिए हमारा कितना लजीज मसाला मटर पनीर बनके तैयार है। अब हम इसकी गार्निश करेंगे जिंजर स्टिक से और कोरिएंडर। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मटर पनीर मसाला बनके तैयार है। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। प्लीज़ आप इसको बनाएं, ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ये। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ 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 मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत जल्द आऊँगी मैं आपके लिए और नई रेसिपी लेके। बहुत जल्द मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखते रहिए।